नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राहुल गांधी बीते दिनों जब अमेरिका पहुंचे थे तो भारत में बवाल हो गया, लेकिन अब वो भारत में आकर चुनावी मैदान में दंगल शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में मतदान से 9 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई असंध में आंशिक तौर पर खत्म नजर आई। लंबे समय बाद सांसद शैलजा प्रचार में लौटी। उन्होंने राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा किया। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए। वही राहुल गांधी फिर एक बार पुराने अंदाज में नजर आए और बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए एक बार चुनावी दौर में भाजपा पर बरसते हुए राहुल गांधी और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के आगाज पर ये रिपोर्ट। हरियाणा में मतदान से 9 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने असंध विधानसभा क्षेत्र में अपनी पहली रैली की, जहां कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के समर्थक शमशेर सिंह गोगी चुनाव मैदान में हैं। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बड़ी नाराजगी के बीच ये पहला मौका था जब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राहुल गांधी बैठे रहे। करीब 1 घंटे तक चले कार्यक्रम में शैलजा और हुड्डा मंच पर मौजूद नेताओं से अलग अलग बात करते दिखे। उम्मीदवारों के साथ फोटो सेशन में दोनों राहुल गांधी के अगल बगल नजर आए। अपने भाषण में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम लिया, मगर मंच पर उन्होंने बातचीत नहीं की। सांसद शैलजा ने अपने संक्षिप्त भाषण में राहुल गांधी की तारीफ की और राज्य की सत्ता में बदलाव का दावा किया। शमशेर सिंह गोगी के समर्थन में रैली करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का परचम ऊंचा लहरा दिया है। जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी को संसद में पानी पीना पड़ता है। वहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी मजबूती से हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। हुड्डा ने दावा किया कि आज किसान, व्यापारी, युवा सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। इसके बाद राहुल मंच पर आए तो अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, मुझे पता चला कि हरियाणा से 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हैं। मेरे दिमाग में सवाल उठा कि हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं। मैं उनसे अमेरिका में मिला तो उन्होंने बताया कि वह कई देशों से गुजरकर वहां पहुंचे। जब मैंने अमेरिका में युवाओं से पूछा कि क्या आप अपने परिवार से मिलते हैं, उन्होंने कहा, राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने माता पिता, बच्चों और परिवार से नहीं मिल पाएंगे। मुझे कहा गया कि जब मैं हिंदुस्तान लौटूं तो 5 मिनट के लिए उनके परिवारों से मिलकर ये बताऊं कि वे ठीक हैं, क्योंकि फोन पर परिवार के लोग उनसे सही सलामत होने की बात पर यकीन नहीं करते। आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, सारे के सारे देश हवाई जहाज से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मेरा प्रोग्राम टेक्सास में था और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, देखा देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में
एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा आप अमेरिका कैसे आए, देशों की लिस्ट दे दी, पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में गए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी, रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बिजनेस करना भी मुश्किल है। जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने देश की सभी संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रखा है, ओबीसी एससी और आदिवासी की अनदेखी की गई है, ये सच जातीय जनगणना से सामने आएगा। अब देव रो क्यों रहा है ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है, उसकी मां मुझे कहती है राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है, क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, काले कानून लाते हैं, जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी की इस रैली में लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके बाद जनता का मूड भी समझा जा सकता है। वहीं हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की अब तक 2 रैलियां हो चुकी हैं। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली हो चुकी है, मगर आज की कांग्रेस की रैली सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताई जा रही है। इन सभी रैलियों के मुकाबले राहुल की असंत रैली ने बता दिया कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी की बातें और शैलजा का साथ नतीजों पर कोई असर डाल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।